सो ही गाइस वेलकम टू दी रैश गियर, स्वागत है आपका इस एक और नए वीडियो में। तो गाइस फाइनली बाजार वालों ने हम लोगों की सुन ली है और वो लोग जल्दी लॉन्च करने वाले हैं उनकी ऑल न्यू पल्सर 220F का नेक्स्ट जनरेशन। और इस बाइक की जो प्राइस है वो भी लीक हो चुकी है, प्राइस भी आप लोगों को बताऊंगा, इसमें क्या कुछ फीचर्स आपको नए मिलने वाले हैं, ये बाइक कब तक हमें लॉन्च होते हुए दिखने वाली है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको फटाफट देने वाला हूं। तो बने रहिए वीडियो के साथ एंड तक, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो आपसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिस हो सकती है। तो सबसे पहले बात ही कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो अभी आप लोग ये जो इमेजेस देख रहे हो, यही इमेज लीक हुई है, ये किसी शोरूम की जो इमेज है वो आप लोगों के सामने आ चुकी है, जिसमें आप लोग क्लियरली देख सकते हो इस बाइक की जो प्राइस है आपको दिख रही होगी 1,39,686 रुपीस इसकी स्टार्टिंग प्राइस है। और यहां पर अगर आप लोग ध्यान दो तो यहां पर इसकी स्टार्टिंग प्राइस रखी हुई है। तो हो सकता है बजाज वाले इस बाइक को दो या तीन वेरिएंट्स के साथ लॉन्च करें, मोस्टली मुझे लग रहा है दो वेरिएंट्स के साथ तो डेफिनेटली इस बाइक को बजाज वाले लॉन्च करेंगे, बाकी होप्स हो बजाज वाले कुछ अच्छा ही करें। और ये जो प्राइस आप लोग देख रहे हो 1,39,686 रुपीस, ये इसकी एक शोरूम प्राइस है, तो इसको ऑन रोड प्राइस मत पकड़ना। ऑन रोड प्राइस आप लोग पकड़ के चल सकते हो करीबन 1,50,000 से लेकर 1,60,000 तक आपको इसकी ऑन रोड प्राइस देखने मिल सकती है। अब बात करते हैं इस बाइक के चेंजेस के बारे में, इसमें आपको क्या कुछ नए चेंजेस देखने मिलेंगे इसको अगर कंपेयर करें पुरानी वाली 220F से। तो सबसे पहले बात करते हैं लुक्स वगैरह के बारे में। तो गाइस एज सच कुछ आपको लुक्स में बड़े मेजर चेंजेस तो नहीं देखने मिलने वाले इस बाइक में, लुक्स वगैरह सेम वही होंगे। हाँ, बताया जा रहा है जो कलर ऑप्शन है, जो ग्राफिक्स वगैरह है, वो कम्प्लीटली आपको इस बाइक में न्यू देखने मिलेंगे। और वहीं बात करें इसके लाइटिंग ड्यूटीज के बारे में, तो गाइस यहाँ पर भी बताया जा रहा है इस बाइक में कम्प्लीटली अब आपको LED लाइट्स का यूज़ देखने मिलेगा। इसके जो टर्न इंडिकेटर्स है, जो सिंगल प्रोजेक्टर लाइट है, वो भी आपको अभी भी देखने मिलेगी, उसमें आपको LED लाइट्स का यूज़ देखने मिलेगा। और जो पीछे की टेल लाइट है, टर्न इंडिकेटर से, उसमें भी आपको LED लाइट्स का ही यूज देखने मिलने वाला है। इन शॉर्ट बाइक में कंप्लीटली ही आपको LED लाइट्स का यूज देखने मिलेगा। साथ ही के साथ बताया जा रहा है हो सकता है फ्रंट की जो डिजाइन है वहां पर आपको LED DRLs भी देखने मिल जाए इस बाइक के साथ, जिससे इस बाइक का जो फ्रंट लुक है वो अपने आप में थोड़ा सा एनहांस हो जाए। बाकी तो इस बाइक के जो लुक्स है वो कहीं से भी कम नहीं लगते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ क्या आपको 220F के लुक्स है वो आज के तारीख के हिसाब से भी कंपेयर करें तो क्या आपको इस बाइक के लुक्स ओल्ड लगते हैं, तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। और गाइस एक बार बताना चाहूंगा, बहुत से लोग मुझे बोल रहे थे कि 220F की जो मैंने वीडियोस बनाई थी उसमें बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला कि आप फेक न्यूज बता रहे हो, लेकिन अब आप लोग देख ही रहोगे चारों तरफ यही न्यूज फैली हुई है कि बजाज वाले जल्दी लॉन्च करने वाले हैं इनकी ऑल न्यू पल्सर 220F का नेक्स्ट जनरेशन। तो गाइस फाइनली बजाज वालों ने सुन ली है, और जो लोग भी फेक वगैरह बोलते हैं तो गाइस एक बार ट्रस्ट कर लिया करो हम पर भी। माना कि हमारे जो सब्सक्राइबर थोड़े कम है, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट रहा तो एक दिन हम लोग भी टॉप पर होंगे। बाकी इस बाइक के कुछ और चेंजेस के बारे में बात करें, तो जिन लोगों को भी नहीं पता इस बाइक के इंजन के बारे में, तो उनको बता दूं इस बाइक में आपको 220 सीसी का डिस्प्लेसमेंट के साथ इसका इंजन ऑफर किया जाता है, जो कि आपको एयर एंड ऑयल कूल्ड के साथ देखने मिलता है। यह इंजन DTSI की टेक्नोलॉजी के साथ आता है, बजाज की खुद की टेक्नोलॉजी है। इस इंजन के अगर मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम टॉर्क के बारे में बात करें तो 20.9 BHP का पावर आपको मिलता है, लेकिन बताया जा रहा है नेक्स्ट जनरेशन जो आएगा उसमें ये जो पावर फिगर से आपको थोड़े से ज़्यादा देखने मिलेंगे, करीबन आप लोग पकड़ के चलो 21 से लेकर 22 BHP तक का पावर आपको देखने मिल सकता है। वहीं बात करें टॉर्क के बारे में, तो 18.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको देखने मिलता था, लेकिन नई वाली में करीबन आपको 19 से लेकर 20 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने मिल सकता है। क्योंकि गाइस बताया जा रहा है ये जो 220F का नेक्स्ट जनरेशन आएगा, इसमें जो इंजन होगा वो BS6 का जो अपग्रेड वर्जन आने वाला है उसी नॉर्म्स को फॉलो करते हुए इसका इंजन आपको देखने मिलेगा, तो इसके जो पावर फिगर्स है वो आपको इंक्रीज होते हुए दिखने वाले हैं। बाकी इसके ट्रांसमिशन के बारे में बात करें तो बताया जा रहा है नेक्स्ट जनरेशन में भी आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही इसका गियरबॉक्स देखने मिलेगा। अगर इस पॉइंट पर बजाज वाले कुछ चेंजेस कर देते हैं, यानी कि 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ इस बाइक का इंजन ऑफर करते हैं, तो गाइस ये बाइक तहलका मचाने वाली है मार्केट में, लिख के ले लो। टू व्हीलर मोटरसाइकिल इंडस्ट्री में ये बाइक फिर से वही नाम कमाएगी जो इसने अभी तक कमाया है। अगर बजाज वाले यहां पर 6 स्पीड के साथ इसका गियरबॉक्स ऑफर करते हैं तो डेफिनेटली बाकी जितनी भी 200 सीसी की बाइक से पीछे होने वाली है। बाकी इस बाइक की अगर ब्रेकिंग ड्यूटीज के बारे में बात करें तो फिलहाल
जो पुरानी वाली 220F आती थी उसमें आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक ऑफर की जाती थी, रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक देखने मिलती थी, साथ ही के साथ आपको सिंगल चैनल ABS देखने मिलता था। तो यहाँ पर गाइस बताया जा रहा है जो मेन चेंजेस होगा ब्रेकिंग ड्यूटीज को लेकर वो है आपको ड्यूल चैनल ABS के साथ फाइनली 220F देखने मिलेगी, और जो डिस्क ब्रेक की साइज है और जो पीछे की डिस्क ब्रेक है उनकी जो साइज है वो भी आपको सेम ही देखने मिलेगी पुरानी वाली 220F की तरह। यहाँ पर कुछ एज सच आपको मेजर चेंजेस नहीं देखने मिलने वाले हैं। वहीं बात करें इस 220F के नेक्स्ट जनरेशन के सस्पेंशन के बारे में तो गाइस यहां पर भी आपको कोई बड़े चेंजेस नहीं देखने मिलेंगे। फ्रंट में आपको वही टेलीस्कोपिक फोर्क ऑफर किए जाएंगे एंड पीछे आपको ट्विन शॉक एब्जॉर्बर ही देखने मिलने वाले हैं। बात करें इस बाइक के अब एक बड़े चेंजेस के बारे में जो कि बहुत सारी एक्सपेक्टेड न्यूज आ रही है कि इस बाइक में जो आपको पहले सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता था वो इसके बेस वेरिएंट में वही क्लस्टर होगा। थोड़े बहुत माइनर चेंजेस होंगे लेकिन बताया जा रहा है इसका जो टॉप एंड वेरिएंट होगा उसमें जो क्लस्टर आपको ऑफर किया जाएगा वो वही क्लस्टर होगा जो आपको F250 N250 में जो आपको सेम जो आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है वही क्लस्टर आपको इस 220F में मिल सकता है। होप सो बजाज वाले ऐसा कुछ कर दे तो बहुत ही अच्छी बात होगी। बाकी क्लिप ऑन हैंडल बार आपको देखने मिलता है तो वही सेम आपको मिलेगा, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होंगे। स्प्लिट टाइप की सीट मिल जाएगी फ्रंट में जैसे कि मैंने बताया। सिंगल प्रोजेक्टर हेडलाइट्स आपको सेटअप देखने मिलेगा जिसमें आपको LED लाइट्स की देखने मिलेगी। बाकी जो फेयरिंग वगैरह है वहाँ पर मैंने आपको बताया ज़्यादा कुछ बड़े चेंजेस नहीं होंगे। ग्राफिक्स को लेकर मेनली आपको चेंजेस देखने मिलेंगे, कलर्स ऑप्शंस भी आपको काफी सारे नए देखने मिलेंगे। तो प्राइस वगैरह तो मैंने आपको बता दी, अब बात करते हैं इसके लॉन्च डेट के बारे में। तो गाइस बहुत ही जल्दी इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च होते हुए दिखने वाली है। बताया जा रहा है विद इन मंथ के अंदर या फिर नेक्स्ट मंथ के मिड में ये बाइक आपको इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च होते हुए दिख जाएगी और शोरूम पर भी ये बाइक बहुत ही जल्दी अवेलेबल हो जाएगी। इसका जो प्रोडक्शन है वो भी मुझे लगता है स्टार्ट हो चुका है और काफी सारे इसके प्रोडक्ट्स अवेलेबल भी है तो शोरूम्स पर भी ये बाइक आपको जल्दी अवेलेबल करा दी जाएगी। बाकी इसके रिगार्डिंग और कुछ न्यूज आती है तो डेफिनेटली मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। मेक श्योर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करके रखना ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को